वेलकम बैक। अमदावाद में भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा पर हाईकोर्टे रोक लगावी। मंदिर की बहार रथ लई जवा हाईकोर्टे मनाई फरमावी छे। हाईकोर्ट ने रोक बाद मंदिर प्रशासने निर्णय कर्यो छे। मंदिर की अंदर की अन्य परंपरा नहीं तूटे। रथयात्रा पहला थती परंपरागत पूजा अर्चना मंदिर में थशे। नेत्रोत्सव सोनावेश पहिंद विधि योजवामां आवशे। ध्वजारोहण रथ पूजा की तमाम परंपरा तूटशे नहीं। भगवान ने महाप्रसाद तरीके अपाती खिचड़ी भोग पण आपवामां आवशे। दिव्या चौहान संवाददाता मरी साथे लाइव जोड़ा है। दिव्या, हाईकोर्ट ना रोक बाद निर्णय बाद मंदिर प्रशासन द्वारा केवा प्रकार ना निर्णय लेवामां आव्या छे? एटले रथ बाहर काढ़वा माटेनी हाईकोर्टे मनाई फरमावी छे, परंतु मंदिर नी अंदर जे सामान्य रथयात्राना दिवसों में आपणे जोईए छे जे विधिओ थती होय छे, शुं ए तमाम विधिओ करवामां आवशे ने कई रीतनुं आयोजन रहेशे? निश्चित चौक्स कही सकते कि रथयात्रा ने लई गुजरात हाईकोर्टे रथयात्रा मंदिर की बाहर नगरचर्या काढ़वा मनाई हुकम फरमावी दीधो छे। परंतु मंदिर प्रशासन तरफ थी एक महत्वपूर्ण निर्णय जरूर थी लेवामां आवे छे कि रथयात्रा पहला ने जे तमाम परंपरागत जे विधिओ छे तेमां कोई पण हस्तक्षेप नहीं करवामां आवे, ते परंपरा कोई पण नहीं तूटे। साथे साथे हाल जे रथयात्रा ने लईने जे हाईकोर्ट तरफ थी मनाई फरमाई दीधी छे, परंतु बंदोबस्त नी वात करवामां आवे तो पोलीस बंदोबस्त ए दिवसे चाप्तो राखवामां आवशे। तेने लईने तमाम मंदिर ना बहार जे पोलीस नो बंदोबस्त थी लईने बेरिकेटो उभी करी देवामां आवी छे। हाल महेन्द्र झा पण जमालपुर पोलीस चौकी में पोलीस ना उच्च अधिकारियों साथे एक महत्वनी बंदोबस्त ने लईने बैठक करी रहा छे। तारे बेरिकेड थी लईने तमाम प्रकारनी जे तैयारीओ जे छे ते मंदिरना प्रशासननी बहार जे मंदिरना ग्राउंड में पण जोवा मळी रही छे। ध्वज पताका जे वर्षो थी लगाववामां आवता होय छे अने बेरिकेडो जे उभी करवामां आवती होय छे ते तमाम तैयारीओ करी देवामां आवी छे। निश्चित रथयात्रा मंदिरना गेटनी बहार नहीं निकले, परंतु पहिंद विधि जे परंपरागत जे करवामां आवती होय छे रथमां ते जरूरथी करवामां आवशे अने तमाम जे तैयारीओ जे छे ते पण करी देवामां आवी छे। रथयात्रामां आजे नेत्रोत्सवनी विधि छे, नेत्रोत्सवनी विधि पण जे परंपरागत रीते थती होय छे ते तमाम प्रकारनी तकेदारी राखवामां आवशे अने नेत्रोत्सवनी विधि पण करवामां आवशे। खास करीने पहिंद विधि ने लईने जे असमंजस हतो, पहिंद विधि पण अत्यारे शुरू करवामां आवशे। पहिंद विधि मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी रथ उपर तो सवार थशे, रथ ने लईने पण तमाम जे तैयारीओ जे छे ते पण करी देवामां आवी छे। रथयात्रा में भगवान ना रथ मंदिर ना प्रांगण में मुकवामां आवशे, रथ पूजा पण जरूर थी करवामां आवशे अने भगवान रथ पर बिराजमान पण जरूर थी थशे अने तमाम जे विधि छे ते पण परंपरागत वैदिक मंत्रोच्चार शास्त्रोक्त साथे करवामां आवशे। आवतीकाले सवारे वहेली सवारे भगवान सोनावेश में भक्तों ने पण दर्शन आपशे। आजे नेत्रोत्सवनी विधि में समय में फेरफार कारण करवानुं कारण ए छे के आजे ग्रहण छे, सूर्य ग्रहण ना कारणे जे मंदिरना समय में जे फेरफार करवामां आव्यो छे, आजे मंदिरना द्वार तो बंद राखवामां आव्या छे। कारण के अत्यारे रथयात्रा ने लईने भले रथयात्रा ने लईने जे तमाम जे तैयारीओ छे तेने आखरीओ पापवामां आवे छे, परंतु रथयात्रा ने लईने जे तमाम प्रकारनी तकेदारी छे शास्त्रोक्त विधि प्रमाणे तमाम जे परंपरा छे ते जाळवी राखवामां जरूरथी आवशे। अत्यारे मंदिरनी बहार जे आपणे छीए तमाम जे तैयारीओ हूँ दर्शावी रही छूं, अंदर जवानो पण प्रयास करीश के तमाम प्रकारनी जे तैयारीओ जे छे ते करवामां आवी रही छे। खास करीने आजे सूर्य ग्रहण हतुं जेना कारणे वहेली सवारथी जे मंदिर बंद हतुं, હવે સૂર્યગ્રહણ પૂર્ણ થવાના આરે છે ત્યારે મંદિરની સાફ સફાઈથી લઈને તમામ પ્રકારની જે તૈયારીઓ જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે। તમામ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય તે માટે પણ ડિસ્પેન્સિંગ મશીન પણ જે બહાર મૂકી દેવામાં આવ્યું છે। નિશ્ચિત તમામ જે મંદિર સાફ કરવાની જે તૈયારીઓ છે તે પણ અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। મંદિરમાં તમામ જે નેત્રોત્સવની જે વિધિ છે તે પણ આજે તમામ રીતેથી કરવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે ભલે રથયાત્રાને લઈને પાબંદી છે, પરંતુ પહિંદ વિધિ હોય કે પછી હોય નેત્રોત્સવની વિધિ કે સોનાવેશની વિધિ, તમામ જે પૂજા અર્ચના છે તે પરંપરા મંદિરમાં નહીં તૂટે। મંદિરના અંદરની મંદિરની અંદર જે પ્રાંગણમાં પણ તમામ જે પૂજા છે તે વિધિવત રીતે ચાલશે। ત્યારે ભગવાનના મામેરાને લઈને ભાણે જો રથ પર બિરાજમાન થઈને મોસાળ જતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે ખાસ એક પરંપરા ક્યાંક અલગ બદલાશે। કારણ કે રથ મંદિરની બહાર નહીં નીકળે, પરંતુ સરસપુર મંદિરની અંદરથી તમામ જે મામેરાની સામગ્રી છે તે અહીંયાની જ મંદિર લાવવામાં આવશે અને મોસાળ વાસીઓ ભગવાનનું મામેરું પણ અહીંયા જબાલપુરની જ મંદિર જ કરશે। જી નિશિત, બિલકુલ દિવ્યા, ધન્યવાદ જાણકારી માટે અમારી સાથે જોડાવા બદલ। તો જે રીતે દિવ્યા જણાવી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા કે તમામ પ્રકારની તૈયારી મંદિરની અંદરની જે વિધિ છે તે તમામ વિધિઓ થશે, એટલે પરંપરા
तूटशे नहीं। न्यूज बुलेटिन में।